ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਐਲ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਐਲ ਠਾਕੁਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਲਨ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣਗੇ। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों में उमंग है, एक आंधी बह रही है और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में बनने वाली है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप बड़ी संख्या में वोट डाल करके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बड़े दुख की बात है, 8 करोड़ सभी तो होने के बावजूद भी स्कीम अभी तक चला नहीं पाई सरकार, क्योंकि हम सब कितने गुवाते थे, अब से कौन सा सरकार दे थे, ये घोष लोगों का हिंट दे देते थे आराम से, चलो कोई जरूरत नहीं नालागढ़ में काम करने की, कोई जरूरत नहीं, लोग बेवकूफ है, इनको ऐसे ही वोटे लेते रहो, 8 करोड़ रुपए सभी को आया हुआ है। तो मैं आपसे आज ये वादा करता हूँ कि 31 मार्च से पहले पहले ये स्कीम जनता को समर्पित कर देंगे हम।